वीक 31 की ऑनलाइन टीआरपी रिपोर्ट आ चुकी है, तो चलिए जानते हैं कौन से आउट ऑफ 15 पाकिस्तानी ड्रामाज जिन्होंने इस हफ्ते सबसे ज्यादा रेटिंग्स हासिल की हैं। नंबर 15 पर दो ड्रामे आए हैं। पहला ड्रामा है आखिर कब तक, जिसने हासिल किया है 2.4 रेटिंग पॉइंट्स। हम टीवी का यह ड्रामा टॉप 15 से अंदर बाहर होता रहता है। और दूसरा ड्रामा है ARY डिजिटल का आजमाइश, जिसने भी हासिल किए हैं 2.4 रेटिंग पॉइंट्स। इस हफ्ते इस ड्रामे की रेटिंग्स में गिरावट देखने को मिली है। लास्ट वीक यह ड्रामा नंबर 11 पर था। नंबर 14 पर आया है ARY डिजिटल का ही ड्रामा पहली सी मोहब्बत, जिसने हासिल किया है 2.5 रेटिंग पॉइंट्स। इस ड्रामे की रेटिंग्स में भी गिरावट देखने को मिली है। लास्ट वीक यह ड्रामा नंबर 10 पर था। नंबर 13 पर आया है ARY डिजिटल का ही ड्रामा डंक, जिसने हासिल किया है 2.7 रेटिंग पॉइंट्स। सना जावेद स्टारर यह ड्रामा इस हफ्ते खत्म हो चुका है। ड्रामे ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। नंबर 12 पर आया है हम टीवी का ड्रामा लापता, जिसने हासिल किया है 2.8 रेटिंग पॉइंट्स। ड्रामे की रेटिंग्स में गिरावट देखने को मिली है, हालांकि यह ड्रामा लास्ट वीक भी नंबर 12 पर ही था। नंबर 11 पर आया है हम टीवी का ही ड्रामा यूं तो है प्यार बहुत, जिसने हासिल किया है 3.1 रेटिंग पॉइंट्स। हीरा मनी और अफान वहीद स्टारर यह ड्रामा भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट वीक यह ड्रामा नंबर 13 पर था। नंबर 10 पर आया है ARY डिजिटल का हॉरर ड्रामा नीली जिंदा है, जिसने हासिल किया है 3.2 रेटिंग पॉइंट्स। इस हफ्ते ड्रामे की रेटिंग्स में उछाल देखने को मिला है। लास्ट वीक यह ड्रामा नंबर 14 पर था। नंबर 9 पर आया है ARY डिजिटल का शो जीतो पाकिस्तान, जिसने हासिल किया है 3.4 रेटिंग पॉइंट्स। इस शो की रेटिंग्स काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, कभी बढ़ जाती हैं तो कभी घट जाती हैं। नंबर 8 पर आया है जियो टीवी का ड्रामा बेचारी कुदसिया, जिसने हासिल किए हैं 4.8 रेटिंग पॉइंट्स। यह ड्रामा भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट वीक यह ड्रामा नंबर 9 पर था। नंबर 7 पर आया है हम टीवी का ड्रामा हम कहां के सच्चे थे, जिसने हासिल किया है 4.9 रेटिंग पॉइंट्स। हम टीवी के हिसाब से देखें तो इस ड्रामे ने काफ़ी अच्छी रेटिंग्स हासिल की हैं। लास्ट वीक यह ड्रामा नंबर 8 पर था। इस हफ्ते आया हम टीवी का नंबर 1 ड्रामा बना है। नंबर 6 पर आया है ARY डिजिटल का ड्रामा इश्क है, जिसने हासिल किया है 5.0 रेटिंग पॉइंट्स। दानिश तैमूर और मीनाल खान स्टारर यह ड्रामा भी लगातार काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट वीक भी यह नंबर 6 पर ही था। नंबर 5 पर इस हफ्ते आया है ARY डिजिटल का ही ड्रामा मुझे विदा कर, जिसने हासिल किया है 6.1 रेटिंग पॉइंट्स। यह ड्रामा लास्ट वीक खत्म हो गया था। ड्रामे ने एंडिंग में काफी अच्छी रेटिंग्स हासिल की हैं। यह ड्रामा पहली बार टॉप 5 में जगह बना पाया है। मदिहा इमाम, मुनीब भट्ट, सबूर अली, रजत अली और हारिस वहीद जैसे अदाकारों से सजे इस ड्रामे की कहानी ऑडियंस को काफी पसंद आई। ड्रामे ने फिर भी ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्म किया। नंबर 4 पर आया है ARY डिजिटल का ड्रामा परदेश, जिसने हासिल किया 6.5 रेटिंग पॉइंट्स। यह ड्रामा भी लगातार बेहद ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट वीक भी नंबर 4 पर ही था। नंबर 3 पर आया है जियो टीवी का ड्रामा फितूर, जिसने हासिल किया 7.9 रेटिंग पॉइंट्स। ड्रामा लगातार बेहतरीन रेटिंग्स हासिल कर रहा है। लास्ट वीक यह ड्रामा नंबर 2 पर था। नंबर 2 पर आया है हरपल जियो का ही ड्रामा रंग महल, जिसने हासिल किया है 8.9 रेटिंग पॉइंट्स। सेवंथ स्काई इंटरटेनमेंट का यह ड्रामा भी लगातार काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट वीक यह नंबर 3 पर था। नंबर 1 पर आया है जियो टीवी का ही ड्रामा खुदा और मोहब्बत सीजन 3, जिसने इस हफ्ते हासिल किया है 12.9 रेटिंग पॉइंट्स। शो ने इस हफ्ते बेहद ही कमाल की रेटिंग्स हासिल की हैं। ड्रामा लगातार टॉप क्लास परफॉर्म कर रहा है। तो ये थे वीक 31 के टॉप 15 पाकिस्तानी ड्रामाज। आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।